नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपका पेट का संबंध आपकी किडनी के रोग से। इस सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, मगर साइंस इंजीनियरिंग में जब इतने सारे किडनी के पेशेंट आते हैं, उनको हम देखते हैं, उनकी हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, उनसे पूछते हैं कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या करते थे, तंबाकू तो नहीं खाते थे, बीपी कब से बढ़ने लगा, तो अगर जब हम उनके स्टमक के बारे में पूछना शुरू करते हैं कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो पेशेंट अक्सर एक बात भूल जाते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, स्टूल हार्ड नहीं होता, स्टूल स्टिकी होता है, चिकचिकाहट जिसमें चिपचिपाहट होती है, फ्लश करते हैं तो फ्लश नहीं होता, दिन में कई बार जाना पड़ता है और उसकी वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम से थकावट बनी हुई है, उनको कमजोरी महसूस होती थी, उनकी कमर में दर्द रहता था, कंधों में दर्द रहता था, दिमाग उनका सुस्त रहता था, उनको डिप्रेशन सा महसूस होता था, चीज़ें रख के भूल जाया करते थे, खाने खाने के बाद पेट फूल जाया करता था। ये जो लक्षण है ये सुनने में बहुत आम से हो सकते हैं, पेशेंट को लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, मेडिसिन खा लिए ठीक हो गए, मगर एक डॉक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो आप जो भी दवाई खाएंगे वो आपकी बॉडी को लग नहीं पाती। आपने बीपी की मेडिसिन खाई तो बीपी की मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, आपके ब्लड तक नहीं जा पाती, फिर आपकी बॉडी को मिल नहीं पाती। इसी तरह से अगर आप शुगर की मेडिसिन लेते हैं, अब वो खाते हैं और वो देखते हैं कि वो काम नहीं कर रही, शुगर लेवल आपके फिर भी हाई बने हुए, तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो। साइंस इंजीनियरिंग में जब भी पेशेंट आते हैं तो हम उनसे मल्टीपल टाइम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका स्टमक ठीक है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जब आपका स्टमक खराब होता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू कर देता है। इसके पीछे एक छोटा सा फंडा होता है, जब आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेन को जब एनर्जी नहीं मिल पा रही होती, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, ब्लड जो जा रहा है उसमें एनर्जी नहीं है, तो ब्रेन क्या करता है, एनर्जी पाने के लिए ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है कि ब्लड बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो वो ये जो एडजस्टमेंट कर रहा होता है ब्रेन एनर्जी लेने के लिए, उसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जब आपकी किडनी के अंदर एंटर करता है तो यही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। और अगर आप इस दिक्कत से फेस कर रहे हैं तो ये दिक्कत आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को भी एलिवेट करने में काम करता है। रीज़न क्या होता है कि जब आपने खाना खाया वो सही टाइम से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक शुगर की अमाउंट बनी रह जाती है और पेशेंट धीरे धीरे डायबिटिक हो जाता है। और डायबिटीज़ और बीपी एक सबसे बड़े कारण होते हैं किडनी फेल करने के पीछे। तो जब भी कोई भी पेशेंट अपनी किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करना शुरू करता है तो उसको अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि स्टमक अगर ठीक है तो वो जो मेडिसिन खा रहा है वो काम करना शुरू कर देगी। अगर आप बीपी की मेडिसिन लेते हो और बीपी की मेडिसिन लेने के बाद भी आपको लगता है कि आपका बीपी हाई है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो सेकंड स्टिक आपने क्या करना है, आपने ध्यान देना है अपने स्टमक के ऊपर, अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर। और अगर आपको लगता है कि स्टूल आपको कई बार जाना पड़ता है, स्टिकी आता है, आपको ढंग से नहीं हो पाता, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट फूला रहता है, तो ज़रूरत होती है सही मार्गदर्शन की, सही गाइडेंस की, तभी आप उसे समझ पाएंगे। और अगर आप सही तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म पर काम करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आपने उस मेटाबॉलिज्म को ठीक किया, आपकी बॉडी में एनर्जी का अपटेक बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी ब्रेन को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है और आप क्या देखते हो कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू कर देता है और बिना किसी मेडिसिन को बढ़ाए हुए, क्योंकि एक तो मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, बल्कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको सही अमाउंट में एनर्जी मिल पा रही है क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि साइंस इंजीनियरिंग जो ट्रीटमेंट आपको देता है किडनी फेलियर के लिए, जो मेडिसिन आपको देता है, जो हर्ब्स देता है आपको, उनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होनी शुरू होती है। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन अच्छी हुई, बॉडी में सही अमाउंट में आपकी मेडिसिन जाने लगी, उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है उन पेशेंट के अंदर जिनके लेवल्स तेजी से घटते हैं और उन पेशेंट के अंदर जिनके लेवल्स धीरे धीरे घटते हैं या नहीं घट रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें पूछना पड़ता है। अक्सर हम इसको अपने डॉक्टर्स के थ्रू आपसे पूछ लिया करते थे, मगर मैं चाहता था कि अब आप खुद बताएं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, साइंस इंजीनियर के आप पेशेंट हैं, किडनी का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो एक बार अपने मेटाबॉलिज्म की कंडीशन को इवेल्युएट करें कि कहीं आपको स्टमक की कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है, ज़रा सा भी डाउट है कि हाँ आपको ये दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ साइंस इंजीनियरिंग की जो टीम है आप उनको कॉल कीजिए, उनको ये दिक्कत के बारे में बताइए, ये प्रॉब्लम आपके हाथ के हाथ सॉल्व करवाई जाएगी और वो जो रिजल्ट्स जो हम देखते हैं बाकी पेशेंट्स में, वो रिजल्ट्स भी आपके साथ देखने को हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ आपका बीपी ठीक होगा, बल्कि अगर आपको शुगर की दिक्कत है तो शुगर की दिक्कत में भी आप देखेंगे कि आपके लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से सुधरने शुरू हो गए, क्योंकि मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होनी शुरू हो गई। तो ये बहुत बेसिक था जो मैं चाहता हूँ कि किडनी का हर पेशेंट मिले, चाहे वो साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट ले रहा है, नहीं ले रहा,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जरूरी क्या है समझना, अपने मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि अगर वो मेटाबॉलिज्म खराब है वो ना सिर्फ ये बीमारियां तैयार करता है बल्कि न जाने कितनी और बीमारियां आपके शरीर में दे देता है। बीपी बढ़ा रहेगा, बीपी से आपको पैरालिसिस हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जरूरी है अपने मेटाबॉलिज्म को समझना कि मेटाबॉलिज्म क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसको समझते हुए उस पर सही तरीके से एक्ट करना। अगर आपको समझ में नहीं आता तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com पर जाकर किडनी से रिलेटेड और सारी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। ये वीडियो हमने जो बनाई, ये हमने किडनी फेलियर के बारे में इसमें कुछ बात नहीं की, मगर फिर भी आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो आप हमसे इस नंबर पे आप क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे फिर चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेके कराएंगे कुछ ऐसा जो आपके लिए मददगार होगा, आपको हेल्प करेगा अपनी किडनी फेलियर की दिक्कत को मैनेज करने में। आप इसी के साथ चलेंगे आगे, दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।